बिजली कटौती को लेकर किसानों का हल्ला बोल। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों की नहीं ली अधिकारियों ने सुध। दतिया के कोदारी ग्राम में बिजली की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें किसानों के कलेक्ट्रेट घेराव को लेकर प्रशासन सुस्त नजर आया। किसानों की सुनवाई तो दूर, आला अधिकारियों ने किसानों की सुध तक नहीं ली। इस वजह से किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और वे धरने पर बैठ गए। इस बीच सैंवड़ा जनपद उपाध्यक्ष केशव यादव किसानों के समर्थन में आगे आए और कलेक्ट्रेट पर धरने में किसानों के साथ बैठ गए और अधिकारियों के आ जाने तक धरना जारी रखने की बात कही। हम लोगों का आज उद्देश्य यह था कि हम लोग 100-150 लोग ये गांव से उन गांव से आए थे कि हम यहां कलेक्टर को ज्ञापन दें, पर अभी तक प्रशासन का रवैया ये है कि आधा घंटा एक घंटा हम लोगों को आए हुए हो गया है, ये लोग कोई ज्ञापन लेने नहीं आ रहा है, तो हम मजबूरी से धरने पर बैठ गए हैं। और हमारी सीधी सीधी मांग है इनसे कि हम आज इनको ये ज्ञापन दे के जा रहे हैं, अगर कोई अधिकारी आता है तो, नहीं तो अभी हम आंदोलन को उग्र करेंगे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, विगत 7 दिन में पावर हाउस की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती है अगले 7 दिनों में, तो हम लोग पूरे किसान भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब बात यह है कि ग्राम कोदारी में बिजली की समस्या वर्षों से चली आ रही है, जो कि वर्तमान समय में ज्यादा जटिल होती जा रही है। किसानों की लाखों की धान की फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण किसान कोदारी ग्राम में सब स्टेशन लगवाने के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।